नमस्कार, मी सचिन मोरे। आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूया आजच्या काही सविस्तर। नवी मुंबईतील वाशी येथील क्रेडाई बीएनएम 21व्या मेगा प्रॉपर्टी मेळाव्यातील ग्राहकांचे आकर्षण ठरलेल्या डेल्टा डेव्हलपर स्टॉलला प्रदर्शनाच्या तिसऱ्या दिवशी 250 हून अधिक ग्राहकांनी भेटी दिल्यात, ज्यामध्ये नवी मुंबईच नव्हे तर ठाणा, घोडबंदर, उच्चभ्र वस्ती असलेल्या मुंबईतील केटर रोड येथील ग्राहकांचाही समावेश होता। अशा या डेल्टाच्या स्टॉलला काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत यांनीही भेट दिली आहे। ये देखा प्रदर्शन पहली बार 21 इयर्स कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम नेक्स्ट जनरेशन है। जैसा बोला कि नई जनरेशन उनकी भी आ चुकी है, सोच बदली है, और कोविड के बाद लोगों की बहुत सोच बदली है कि जो 150 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे वो कोविड के बाद चाहते कि आज 500 का हो, 500 वाले 1000 में आना चाहिए। और नई मुंबई में कैसा है कि यहाँ जो मुंबई वाले अभी सब भागना चाहते हैं नई मुंबई में, यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग है, बड़े घर है, ये नए जैसा भी डेल्टा बिल्डर्स है, सारे ये बड़े बड़े बिल्डर्स आ गए, वो सारे फैसिलिटीज एक रूप के अंडर दे रहे हैं, तो लोगों को ये भी चाहिए। और नई मुंबई में क्या सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि इसमें जॉब्स जो है वो आजू बाजू में है, मतलब यहाँ ही रहो, यहाँ ही आपको जॉब मिलेगा। ACZR आ रहे, 4 बंदरगाह है, 150 से ज़्यादा वेयर हाउसिंग है, तलोजा इंडस्ट्री है, आप पतलगंगा इंडस्ट्री है, खोपोली इंडस्ट्री है, तो जॉब भी आजू बाजू में है, तो इसका फायदा हो जाता है। और नई मुंबई सबसे बड़ा अभी ये हब बन रहा है, हब देखो कि एयरपोर्ट बन रहा है, 1,00,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो गए, सबसे अच्छा कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट का, दोनों का भी कनेक्टिविटी अच्छा होएगा, आप समुंदर से भी अभी जो वाटर टैक्सी शुरू हो गए, तो सबसे बड़ा इंडिया में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ है। और बिल्डर्स ने अभी ये देखो कि यार डेल्टा वालों ने इतना खर्चा नहीं करते थे, ये देखो कि हम लोग इमेजिन होकर, मैं बोला जब एंट्री किया तो ये US के जैसा अवार्ड फंक्शन में रेड कारपेट पे चल रहे हैं, इतना बढ़िया उन्होंने किया है, तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा सेल है। और नई मुंबई के लिए तो आपको मालूम है पहले से उनके सब सितारे बुलंद है, बहुत ज़ोर से चल रहा है हाउसिंग में, बहुत अच्छा सेल है लास्ट 2 महीने का आप देखोगे इस साल का, और इसके बाद बहुत बढ़िया बनाया है, एक्सलेंट, मतलब हम लोग बोलेंगे कि अभी 9 वर्ष इतना अच्छा इस टाइम का ये प्रदर्शन है। ये आज थर्ड डे है एंड संडे भी है आज, तो काफ़ी सारे वॉकिंग कस्टमर्स भी है। और इस बार एक नई चीज़ ये भी देखने को मिली है कि आज हमें थाने घोड़बंदर बेल्ट से आज कोलाबा, बड़ाला ये तरफ के नोड के भी काफ़ी कस्टमर्स मिल रहे हैं, काटर रोड के भी आज 4 से 5 कस्टमर आए, तो ओवरऑल जो फुटफॉल है, क्वालिटी लीड्स आ रही है, हाई वैल्यू के प्रोडक्ट भी लेने वाले क्लाइंट भी है, लो वैल्यू के भी प्रोडक्ट लेने वाले कस्टमर है, और ओवरऑल रिस्पांस बहुत अच्छा है। रिस्पांस तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा है, आज हमारे स्टॉल के ऊपर तकरीबन 250 से ऊपर विजिट हो चुके हैं, अभी भी काउंटिंग चली रही है, और काफ़ी सारा हमने क्लोजिंग्स भी किया हुआ है। और जैसे कि हमने पहले ही बताया था, हमारे ओवरऑल जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना था कि एक्सपो के अंदर अच्छी ऑफर्स मिलेगी, और अच्छी ऑफर हमने दी है, और हमारे अच्छे नंबर्स भी आज बने हैं। आपके माध्यम से ही कस्टमर को बोलना चाहूँगा कि कल लास्ट डे है, आप आइए, काफ़ी सारे कस्टमरों ने हमसे आज अच्छी डील्स ली है, और कल के दिन भी हम हमारी कुछ स्पेशल ऑफर्स जो है जो केवल कल के दिन ही है वो हम कस्टमर्स को देंगे। थैंक यू। कैमरामन इकबाल शेख सह यश भोसले, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।